अस्सलाम वालेकुम। आज का मिनी ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है यासिन भाई के घर से। यार मुझे भूख लग रही थी तो मैंने शॉप बंद की और यासिन के वो घर पहुंच गया। यासिन साहब से कहा, यासिन भाई बहुत भूख लग रही है, कुछ खिला दो। यासिन भाई कहते मैं नहीं खिलाना, तुम नहीं खिलाना। तो हम पहुंच के रैक्स पे जाके देखा कि साथ इन्होंने काफ़ी शॉप्स ओपन हो गई थी। पहले यहाँ पे खाली रैक्स होता था, रैक्स बंद था, नमाज का टाइम था तो रैक्स के हम नहीं गए। यहाँ पे मुमती नहीं आ रही आगे रास्ते में, फिर हम सर्चिंग करने लग गए क्या चीज़ खाई थी यासिन भाई। तो एक छोटा सा शॉर्ट लिया, फिर हम पहुंच गया अभी मार्केट। अभी मार्केट से होते हुए मुझे नज़र आई यार लीची, माई फेवरेट फ्रूट। फिर यहाँ पे शनवारी, फिर यहाँ पे हम सर्चिंग करते करते हीरा चरका आ गया। मैंने कहा नहीं यार कुछ अलग खाना है। फिर हम आगे बर्गर कॉर्नर पे, तो हमारा फर्स्ट स्टॉप है बर्गर कॉर्नर। ये हमारे जो हैं बर्गर कॉर्नर के किंग, ये सैंडविच लगाते हैं हमारे लिए और बहुत बेहतरीन सैंडविच है इनका। खाएँ ये टेम्पल रोड का कोई ये रौनक मिलने वाला बाजार था, यहाँ पे हम पहले रहते थे। अब हम यहाँ से छोड़ गए और मैंने अपना शॉर्ट लिया। देन फिर इनकी रेट लिस्ट देखी, तो रेट लिस्ट पे हमें जो पसंद नहीं था रेट लिस्ट पे, तो हमने मंगवा लिया सैंडविच। और देखा मेरे गले पे पता नहीं कैसा निशान हो गया, फिर मैंने इग्नोर किया और यासिन भाई को देखा। यासिन भाई मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। फिर हमें कहा कि यार पहले बोतलें ही पी ली जाएँ, तो बोतल पकड़ी और बोतल का एक सिप लिया और ठंडी ठंडी बोतल अंदर गई तो चस आ गई। गर्मी में बोतल ठंडी पी के मज़ा आया था। अब लें जनाब, फिर देखा यासिन भाई शॉर्ट ले रहे हैं और मैं वेट कर करके थक गया। तो मैं पहुंच गया वकास भाई के पास, वकास भाई से पूछा। कामरान भाई है ना आपका नाम? हाँ जी कामरान भाई, बाद आ दे रहे हूं वकास भाई, लोगों के पार्सल करी जा रहे हैं, सानू भी दे रहे हो, मेहरबानी करो साडे हाल रहम करो। फिर मैं यासिन भाई के पास आया। यासिन भाई को मैंने दिखाया, यासिन भाई आपकी GF मिल गई। यासिन भाई एक्साइटेड होकर कहते ना बेटा ये GF नहीं मेरी, ये GF है। देना यासिन भाई ने एक ड्रेस दिखाई, ड्रेस वाली वीडियो थी जनाब, ये देखें चेक करें। पापे जो हैं पापों को भी आग लगी, ये देना ये कैसी कट मारी, ऐसे तो जवान नहीं कर सकते थे ये पापे कर रहे हैं। यासिन भाई देखें अपने अंदर का टैलेंट दिखाते हुए कीड़ा जगाते। फिर आ गया हमारा सैंडविच और शुअरमा। ने जनाब आपके भाई ने सैंडविच का एक शॉट लिया और प्राइस भी मंगवा लेते थे, तो आज मैंने सैंडविच और प्राइस खाए। देन फिर यासिन भाई का एक शॉट लिया। यासिन भाई स्टिल अपना मोबाइल में लगे हुए हैं, पता नहीं कई बच्चियों के साथ लगे रहते हैं। यासिन भाई के अंदर ये टैलेंट आई है आँखें ऊपर नीचे करने रहा, मैंने भी किया तो मेरे से तो नहीं हुआ। यासिन भाई ने फिर करके दिखाई ये। मैंने कहा यासिन भाई यू कैन डू इट, यू कैन नॉट डू इट। फिर मैंने देखा निशान, देन फिर मैंने एक और शॉट लिया और अपना शॉट लेने के बाद यासिन भाई कहते देखो यार मेरा शुअरमा पाटा हुआ है। मैं कहा जैसा बंदा होता है वैसी चीज़ मिलती है। उसके बाद मैंने सैंडविच का एक बाइट ली और बाइट लेने के बाद मैंने दिल में कहा बहुत आला यमी। नहीं फिर मैंने सलाह मारी, पर मैं देने वाला किसी को नहीं, फिर सैंडविच इज़ माई लव और मैं अपने लव किसी को नहीं बांटता। उसके बाद यासिन भाई को देखा, यासिन भाई अपनी कहते यार ये वाली इंस्टाग्राम की लड़की पसानी है। मैं कहा यासिन भाई बाल लो क्या करोगे। फिर मैंने अपना सैंडविच यासिन भाई को दिया और मैं फुल हो गया था। और यासिन भाई को कहा मैंने यासिन भाई आप कहें। उसके बाद गर्मी थी, मैंने टिश्यू पेपर पकड़ा और मुँह साफ कर ली जिनके साथ हमने करना था हादसा। नहीं यासिन भाई सैंडविच खाते हुए और अपना अंदरूनी टैलेंट दिखाते हुए ये चेक करें। फिर मैंने देखा, मैं कहा यार मैं कर सकता हूँ कि नहीं, ये बट वी कैन नॉट, आई कैन नॉट डू दिस। यासिन भाई तो कर सकते हैं, यासिन भाई के अंदर पता नहीं कौन सा टैलेंट है, मेरे से नहीं होता। उसके बाद यासिन भाई कहते हैं ना बेटा एक और मैं टैलेंट कर सकता हूँ, एक एक आईब्रो भी उठा सकता हूँ। मैं कहा कैसे दोबारा करें। मैंने फिर देखा नहीं हुआ मेरे से। मैंने कहा यासिन भाई मेरे से नहीं हो रहा, आप दोबारा करके दिखाओ ज़रा। मैंने फिर ट्राई की, नहीं हुई। फिर यासिन भाई कहा मैंने यासिन भाई आपने करना दोबारा, मैं आपको यासिन भाई पे कैमरा दिया। यासिन भाई ने फिर करके दिखाया। फिर मैंने कहा यार मैं दोबारा करता हूँ ट्राई। फिर मैंने ट्राई की, नहीं हुआ। फिर मैंने अपने एक हाथ हाथ से की, वो हो गई। चलो मैं कहा बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद मैं पेमेंट देने गया तो काज भाई के बड़े भाई थे, तो उधर देखा कि उनके पाँव खराब थे, वो कहते हैं मेरे लिए दुआ करो अल्लाह इनको सेहत दे, अच्छे बंदे हैं। उसके बाद यासिन भाई कहते यार मैंने होंडा तैयार कराया, चेक करो कैसे स्टीकिंग कराई। यासिन भाई कहते फिर मेरे वाली साहब ने खोया बनाया है आपके लिए, लेके आऊँ। मैं कल ले आओ ले जनाब। यासिन भाई बहुत ही प्यारी सी एक बाल्टी में छोटी सी बकेट में खोया ले गए और देखा मैंने बहुत ही आला, जो उसकी डब्बी थी ना बहुत खूबसूरत लग रही थी, प्लास्टिक की थी या पता नहीं कौन सी थी। मैंने उसको चूमा और खोला और उसके बाद आपके भाई ने एक हल्का सा शॉट लिया। उसके बाद कहा यासिन भाई ये तो ख़त्म हो जाएगा मेरे हाथ, ले जनाब आपके भाई ने चमचा पकड़ा। चमचा पकड़ने के बाद एक यम्मी सी बाइट बनाई और अपने यम्मी सी बाइट अपने मुंह में डाली और देखें धुआं निकल रहा है, ठंडा इतना था पर इतना अभी से इतना जमा नहीं हुआ था और ये बहुत आला की निशानी और बहुत आला। उसके बाद आपके भाई ने सारा ऐसा चट गया कि अंदर कुछ नहीं रहने दिया, ये सारा खा गया आपका भाई और कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद चमचों से भी निकाल निकाल के खाया। खाने के बाद हम पहुँच गए अपने दोस्तों के पास, चौधरी साहब और हसन भाई। हसन भाई से हम मिले और उनका प्लान था कोई पान वगैरह खाने का, तो यासिन भाई को मैंने कहा यासिन भाई काफ़ी बाइकें हो गई हैं, एक बाइक खड़ी करो आप मेरे पास हो।
यासिन भाई मेरे पीछे बैठे हैं और हम बाइक निकाल के निकले हैं। मैंने तो यासिन भाई को नजर आ गया, मैं कह रहा हूँ इधर देखो यासिन भाई साहब देख रहे हैं लड़कियों को। फिर यासिन भाई एकदम ने हल्की सी देखी, फिर मैंने कहा यार स्टेज ड्रामा भी देखने आएंगे किस दिन। फिर हम पहुँच गए हाजी पाँच यहाँ पे, ये लगे हुए हैं ज्वेलरीज, ये देखो ये अंगूठियाँ शूठियाँ देख रहे हैं यासिन भाई यहाँ पे। तो मैंने एक शॉट लिया यासिन भाई देखना यहाँ पे भी जूठी पड़ रही है और ले गए गायब हो गए। यासिन भाई ये हरकत ना किया करो बेचारों के साथ। उसके बाद मैंने अपना शॉट लिया और इनको अल्लाह हाफिज़ किया। यासिन भाई ओवर एक्टिंग करते हुए, ओवर एक्टिंग की दुकान है और हमदा भाई को मैंने ओके किया और जो ये जानबूझ के अपनी शक्ल पीछे करके कहता मैं हीरो की तरह एंट्री लूँगा, ले मैंने हीरो की तरह एंट्री ले ओके किया और मैं इनको अल्लाह हाफिज़ करके जाने लगा। फिर मुझे याद है चौधरी पैसे निकाल रहा है, चौधरी किसके पैसे निकाल रहा है, चौधरी साहब तो पान के पैसे निकाल रहे हैं, चौधरी साहब ने पैसे दिए। उसके बाद हम गुजर ही रहे थे कि देखा कि मुबीन भाई अभी तक शॉप में हैं और ये उसके उस्मान भाई हैं, ये बड़े नाइस बंदे हैं। मैं पहुंच गया उनकी शॉप में और देखा हेलो हाय किया, टाइम काफ़ी हो गया था, मुबीन भाई से सलाम दुआ किया और ये खाना भी खाने लगे थे। तो मैंने शीशे में देखा चुम्मी शुम्मी की, उसके बाद मुबीन भाई से कहा अभी करो मुझे चुम्मी नहीं जनाब। चुम्मी शुम्मी होने के बाद हमने कहा कि यार मुबीन भाई आप इतनी देर तक क्यों बैठे हुए हो। मुबीन भाई ने थोड़ी स्टोरी सुनाई, मुबीन भाई कहते यार मेरी लड़ाई हो गई थी इनकी नहीं इनके बड़े भाई की लड़ाई हो गई थी, एक शीशे का काम करते हैं तो ये शीशे का एक और काम करने वाला, दोनों इतने अकलमंद बंदे हैं। उमर भैया मेरी वीडियो देख के क्या हो गया उमर भैया आपस में लड़ी जा रहे हो। और खैर वो इसने मुबीन भाई ने हमें स्टोरी सुनाई तो हमने सुनी, हमने कहा यार ठंडे दिमाग से काम लिया करो, काम लिया करें। और इसके बाद बच्चा आ गया, बच्चा कहता है अली भैया जो रोटी खाएं, मैंने कहा भाई मैं खा के आया। उसके बाद मैंने छोड़ लिया, मुबीन साहब मुझे कहते हैं अली यार मुझे मिल्क शेक पिला, मैं कहा क्या पिलाऊँ मिल्क शेक पिला, मैं कहा क्या पिलाऊँ मिल्क शेक ले जनाब। फिर मैंने इनको अपना बड़ा हुआ पेड़ दिखा और मैंने कहा भाई मैं फुल हो गए हैं फुल, ये देखो ये मेरा पेड़ ये बड़ा आ गया ना ये फुल। उसके बाद मुबीन भाई को मैंने अल्लाह हाफिज़ किया, मुबीन भाई थोड़ा सेट हो गए थे और मैंने यहाँ पे ब्लॉक किया। एंड यार चैनल को भी सब्सक्राइब करो, यूट्यूब चैनल भी आपके भाई को उधर जाके सब्सक्राइब करो, घंटा दबा के जोश आपश।